जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक काफी फेमस शेर है जिसे अगर हम बीएड वालों के दुख दर्द में थोड़ा सा बदल कर कहें तो शेर कुछ इस प्रकार से होगा कि मत पूछो मेरे दर्द की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी हसरत जहाँ तक है। बीएड के बाद अब नौकरी की उम्मीद तो जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो ये देखना है कि अब मुसीबत आती कहाँ तक है। जी हाँ दोस्तों, मामला ही कुछ ऐसा है, खबर ही कुछ ऐसी है कि अब तक बीएड अभ्यर्थी हम ये मांग कर रहे थे कि हमें नई शिक्षक भर्तियों में प्राथमिक में हमें मौका दिया जाए, पीआरटी में हमें शामिल होने दिया जाए। लेकिन ये जो खबर आ रही है, जिस तरीके से शिक्षा मित्र सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं, उससे तो ये भी लगता है कि जो जिन बच्चों का बीएड के बाद प्राथमिक में नौकरी हो चुकी है, कहीं वो भी ना मुसीबत में पड़ जाए, कहीं वो भी ना छिन जाए। मामला क्या है पूरा समझेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि क्या कारण है, क्या रीजन है, और किस बेस पे ये शिक्षा मित्र किसके खिलाफ जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, क्या है पूरा मामला। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक अगर आप किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो आप तक ये खबरें पहुंच गई होंगी जहाँ पे शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और यह मांग की है कि जब 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, उसमें जिन बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, बीएड करने के बाद जिन बच्चों का चयन हुआ था, उन्हें वापस से निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पे शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाए। वजह क्या है इस पूरे खबर को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे निष्कर्ष जो निकलेगा वो यही निकलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था, क्योंकि एनसीटी ये मानती है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बीएड वाले भी पीआरटी को पढ़ा सकते हैं, 1-5 को पढ़ा सकते हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें साफ तौर पे उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि बीएड भी 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने के बाद वो पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा मित्र बंधुओं को यही से पॉइंट मिल गया कि जब वो नोटिफिकेशन ही रद्द हो चुका है तो उस बेस पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। भाई देखो, दावा तो बिल्कुल सही है, दावा सही है कि जब जो पत्र ये अनुमति देता था कि बीएड वाले 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी थी कि चूंकि बीएड वाले क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका कोर्स और इनका सिलेबस सब कुछ अलग होता है डीएलएड से, इसलिए वो नोटिफिकेशन ही जब रद्द हो गया तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो लोगों की शिक्षक भर्ती हुई है वो कैसे मान्य होंगे, वो कैसे वैलिड होंगे। तो दोस्तों ये तो अभी प्राथमिक लेवल है जहाँ पे केवल याचिका दायर होगी, अब इसके बाद बहस होगी, पक्ष या विपक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या हो सकता है। देखिए संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि एक व्यक्ति को नौकरी देने के बाद नौकरी से निकालना एक जटिल प्रक्रिया होती है, कि क्या इसमें शिक्षक मित्र सच में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो तो कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। लेकिन दोस्तों प्रहार तो भरपूर उन्होंने किया है और उनका ग्राउंड भी काफ़ी मजबूत लग रहा है, तो अब ये दोनों दोस्तों कोर्ट पे बहस के बाद और कोर्ट के फैसले के बाद से इसका निर्णय निकल सकता है, उस निर्णय पर चर्चा किया जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड वालों के लिए रोक लगा रखा है, न केवल बिहार शिक्षक भर्ती में जबकि पूरे भारत में लगभग अभी वर्तमान समय में 1-5 तक के शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वालों को रोक लगा दिया गया है। अब आगे क्या फैसला होता है, हालांकि अभी एक और न्यूज ये भी आई थी कि क्या सच में बिहार में 1-5 तक में बीएड को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला भी 1 हफ्ते के अंदर आएगा, जहाँ पे बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वार्तालाप चल रही है उसके बाद से। लेकिन संभावनाएं बहुत कम लग रहा है कि शायद ये लोग मौका देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे दोस्तों एक और समस्या हो सकती है कि 15 तारीख से, जैसे 15 तारीख से इस महीने में बीएड की काउंसलिंग शुरू की जा रही है, और यकीन मानिए इस बार बहुत ही कम बच्चे होंगे जो काउंसलिंग में पार्ट करेंगे, भाग लेंगे, क्योंकि यार उनको तो साफ दिख रहा ना कि पहले बीएड करने के बाद हमें दोनों में मौका मिल जाता था, हम पीआरटी भी दे सकते थे, हम टीजीटी भी दे सकते थे, लेकिन अब जहाँ तक जो सबसे बड़ी वैकेंसीज आती थी उसी से हमें रोक दिया गया, तो फिर क्या मतलब है बीएड करने का। खैर, जैसे जैसे बीएड की काउंसलिंग होगी, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, फिर उसके बारे में आगे और चर्चा करी जाएगी। लेकिन दोस्तों बीएड वालों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है, धीरे धीरे और मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं, वही तो है कि देखना है कि अब कितनी मुसीबत आनी बाकी है और क्या क्या होने वाला है। और एक और सवाल ये आता है कि क्या सच में कभी भारत में, पूरे भारत में बीएड वालों को दोबारा शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया,
अब दोबारा अगर बीएड को शामिल करना है तो बस एक ही चीज है कि सरकार इस पे अध्यादेश लाए, कानून बनाए और एक समान कानून बना दे कि बीएड वालों को भी मौका इसमें दे सके। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि मुझे लगता है ना कि ये जो भी मामला था बीएड वर्सेस बीटीसी में, इसमें दो सबसे बड़ी गलती हुई है। दो सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? सबसे पहली बड़ी गलती ये हुई है कि जब 2018 का नोटिफिकेशन आया और ये कहा गया कि बीएड वाले भी 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद से पीआरटी यानी कि 1 से 5 तक को पढ़ा सकते हैं, इसके बाद जो बीटीसी का रिएक्शन रहा कि वो कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करें कि बीएड को कैसे पढ़ा की अनुमति दी जा सकती है जबकि उनके सिलेबस बिल्कुल अलग है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प ये होता कि बीटीसी या डीएलएड वाले ये मांग करते कि अगर बीएड 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके पीआरटी को पढ़ा सकता है तो क्यों ना डीएलएड वालों के लिए भी एक ऐसा मौका निकाला जाए या फिर एक ऐसा सूचना दिया जाए या फिर ऐसा कोई प्रारूप बनाया जाए कि डीएलएड वाले भी 6 महीने या 1 साल का कोर्स करके टीजीडी 9 to 10th में एलिजिबल हो जाए, वहाँ भी वो पढ़ा सकते हैं। 6 से 8 में जो वो प्रमोशन के बाद आते हैं, अगर 6 से 8 की भर्ती आती है तो वहाँ डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, क्यों ना ऐसा मौका टीजीटी और डीएलएड वालों को भी दिया जाए। तो यह एक बेहतर मौका होता बजाय इसके केड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया जाए, तो ये बेहतर मौका होता। ये हो गई पहली गलती। और दूसरी गलती साफ यही है दोस्तों, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है कि हमें रिसेंटली यहाँ से बाहर कर दिया गया बिना इस चीज़ की कंफर्मेशन के कि वह बच्चे उन बच्चों का क्या होगा इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो डिग्री ख़राब हो गई ना, क्योंकि जैसे जो भी बीकॉम बीबीए बीसीए बीटेक इस तरीके के जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, जिनका 6 से 8 तक कोई सब्जेक्ट मैच नहीं करता, वो भी अच्छे जिनका 9th और 10th में वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक नहीं रहता, जो कॉम्बिनेशन जो ख़राब हुआ है, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन दिया गया? कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये जो दो सबसे बड़ी गलती हुई है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, बजाय इसके हम मौका दे सकते थे ना, मतलब सरकार मौका दे सकती थी कि चलो डीएलएड भी आए, वो भी टीजीटी के लिए एग्जाम दे, टीजीटी जो भी वैकेंसीज आती है एग्जाम दे, आप भी 6 महीने या 8 महीने या 12 महीने जो भी कोर्स डिसाइड करती सरकार वो करने के बाद, और फिर दूसरी तरफ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना उनको थोड़ा आसान करते, उनको भी मौका देते, तो ये बेहतर विकल्प होता आगे की शिक्षक भर्तियों के लिए। बहरहाल दोस्तों, जैसे जैसे सरकारें चाहेंगी, जैसे जैसे नीति आयोग जो चाहेगा, हमें उसी को फॉलो करना है, क्योंकि वह आयोग वह सरकार जो भी हो उसकी आखिरकार हमने ही चुनाव किया है, इसीलिए दोस्तों हमेशा से बहुत सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली ये बात कह रहा हूँ कि अगर क्लासरूम में, अगर दोस्तों क्लासरूम में भी अगर आप एक मॉनिटर चुनते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि कौन आपकी क्लास को बेहतर बना सकता है, कौन आप में बेस्ट है, आप उसे चुनते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि जाति या धर्म या फिर क्षेत्र या फिर भाषा के आधार पर। तो ठीक वैसे ही अगर हम किसी का चुनाव कर रहे हैं किसी भी इलेक्शन में, तो हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें बस एक ही चीज़ सोच के जो आपके समाज को, जो आपके देश को, जो आपके राज्य को, आपकी नीतियों को, खासतौर पे अगर आप शिक्षा से जुड़े हैं तो आपकी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षक भर्ती को, पाठ्यक्रम को, पढ़ाई को, सिलेबस को कौन बेहतर दिशा में लेके जाए, हम उसका चुनाव करें, न कि ये सोच के कि कौन हमारे जाति का है, कौन हमारे धर्म का है, कौन हमारे क्षेत्र का है, कौन हमारी भाषा का है, हमारा व्यक्तिगत संबंध कैसा है, क्योंकि वही आगे चल के दोस्तों वही आगे चल के नीति निर्धारण करेंगे, नीति निर्माण करेंगे, जिन्हें हमें फॉलो करना है, और वो पूरी तरह से प्रभावित करते हैं पूरे आयोग को और पूरी तरह से प्रभावित करते हैं आने वाले भविष्य को। इसलिए दोस्तों जैसा भी होगा शिक्षक भर्ती में, शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया में, नए नियमावली में नई अपडेट जो भी आएगी वो बताया जाएगा। फिलहाल तो बीएड वालों को कहीं से भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि शायद कहीं और मुसीबत बढ़ती न जाए, कब तक, जब तक सरकार कोई नई अध्यादेश लाके बीएड वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। तो मैं आशा करता हूँ, अपनी तरफ से मैं यही आशा करूँगा और निवेदन भी करूँगा कि सरकार बीएड के पक्ष में एक अध्यादेश लाए और बीएड वालों को भी मौका दे। साथ ही साथ मैं ये भी आवेदन निवेदन करूँगा कि बीडीसी को भी मौका दिया जाए, अगर डीएड वालों को लगता है कि उनके पास मौके कम है तो उन्हें भी 6 महीने 8 महीने के जो भी कोर्स आयोग को सही लगे उनके लिए कोर्स डिजाइन करके उनको भी 6 से 12 में मौका दिया जाए। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जैसे कोई सूचना आती रहेगी आप सबसे बात होती रहेगी, आप हमें बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। डेफिनेटली अगर आप बीएड से हैं तो बड़े निराश होंगे, डीएलएड से हैं तो बड़े खुश होंगे, लेकिन मैंने जो तो सुझाव दिए कि डीएलएड वालों को भी टीजीटी में मौका दिया जाए और बीएड वालों को भी पीआरटी में मौका दिया जाए, मैं आशा करता हूँ इस बात से आप सहमत होंगे। कमेंट में आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी राय का हमें इंतजार होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।